हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई हो रही है? चलो बेटा, आज हम लोग का टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर। ओके, आप लोगों को इवन एंड ऑड नंबर पहले से भी पता है, आप सभी को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर भी है कि व्हाट इज द इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर। ठीक है, ओके। सेवन, अब बताइए आप, सेवन इज इवन नंबर और ऑड नंबर? यू सी ऑन द स्क्रीन, हियर आर गिवन दिस सेवन, आई कैन नॉट इवन। सेवन कहता है कि मैं इवन नहीं हूं, तब आप बताइए इवन है या ऑड है? इवन है नहीं ना, सेवन इज ऑड नंबर। ओके, हियर हियर आर गिवन ऑफ दिस टोटल 10 फ्लावर्स, काउंट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फ्लावर्स। देखिए आपके जो बच्चों इवन नंबर होते हैं उसमें आपके पेयर्स बनते हैं, टू टू के देखिए पेयर्स सारे बने हुए हैं आपके। फर्स्ट पेयर देखिए आप लोग, फर्स्ट पेयर टू के हैं, सेकंड पेयर पे देखिए आप लोग टू फ्लावर्स यहाँ पे भी है, थर्ड पेयर में भी टू फ्लावर्स हैं, फोर्थ में भी आपके टू फ्लावर्स हैं, एंड लास्ट फाइव जो मतलब आपका बॉक्स बना हुआ है इसमें भी देखिए टू फ्लावर्स हैं। तो टू टू के फाइव यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ये आपके पेयर्स में है, इसीलिए ये सारे इवन नंबर हैं। इज इट क्लियर? इवन एंड ऑड नंबर, इवन नंबर एंड इन 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, सारे इवन नंबर के लास्ट में बच्चों जो भी आप नंबर देखते हैं उसके लास्ट में, जैसे वंस का डिजिट आप देखते हैं, वहां पे अगर आपका जीरो है या टू है या फोर है या सिक्स है और एट है, अगर ये नंबर लास्ट में आ रहे तो इसका मतलब वो सारे नंबर आपके इवन है। एज एग्जाम्पल आप नीचे में देखिए, जैसे फोर, 56 में सिक्स, ये वंस का डिजिट जो है सिक्स आपको मतलब बताता है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आपका इवन नंबर है। 730 में देखिए जीरो, वंस के प्लेस पे क्या है आपका जीरो है, तो ये आपका क्या है, इवन नंबर है। इसे क्लियर? आप सेवन और थ्री को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वंस की प्लेस को देखेंगे, ये समझ में आ रहा है आपका। ओड नंबर बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं जो बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से एकदम सुनना आप लोग। ओड नंबर्स एंड इन 1, 3, 5, 7, 9, जहां जहां पे लास्ट में आपका वन आ रहा है, थ्री आ रहा है, फाइव सेवन या नाइन आ रहा है, वही आपका ओड नंबर हो जाता है। एज एग्जाम्पल 9, ये वन डिजिट का नंबर है, सिर्फ नाइन है, तो भी आपको ये समझना होगा कि इसका पेयर नहीं बनेगा नाइन का, क्योंकि टू टू से पेयर बनते हैं, तो नाइन का पेयर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे टू वन या टू, टू टू या फोर, टू थ्री या सिक्स, टू फोर या एट, टू फाइव या टेन, तो आपका नाइन का पेयर नहीं बना बेटा, इसलिए ये ऑर्डर नंबर। 83 का थ्री देखिए, जो वंस का प्लेस है इसका थ्री, इसका भी पेयर नहीं बनेगा आपका। ठीक है, जैसे टू 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 या फोर, फोर आ जाएगा, थ्री पे पेयर नहीं बन रहा है आपका। इज इट क्लियर? एंड 641, वन वन का भी कोई पेयर नहीं होता है, वंस का डिजिट को देखेंगे आप, अब फोर और सिक्स को नहीं देखेंगे, नहीं उससे तो आप कहेंगे मैम ये तो इवन नंबर है। ठीक है, तो लास्ट का जो नंबर होता है मेरा वंस का प्लेस का, बस उसी को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इवन है या ऑड है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट ओड नंबर टेबल बेटा, ये देखिए मैंने एक टेबल यहाँ पे दिखाया आप लोगों को। ओड नंबर इसमें आपका क्या है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, जो कि आपके रेड कलर से कलर किए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है? तो जितने भी रेड के स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 99 तक में, इसमें जो रेड की लाइन है वो सारे आपके ओड नंबर है, और इवन नंबर आपके जो व्हाइट पे है, जिसके व्हाइट की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये सारे जो बॉक्सेस हैं, ये सारे स्ट्रिप्स जो हैं, ये आपके इवन नंबर के हैं। देख रहे हैं ना, सबको क्लियर हो रहा है? इवन एंड ऑड में देखिए कितना अच्छा सा डिफरेंस इसमें करके दिखाया है, फटाफट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हियर, अब आप बताओ कि आपका इवन वर्ड्स है या ऑड में है वर्ड, 1, 2, 3, तो ये आपका इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा? मैम ऑड नंबर। यस, वेरी गुड, ये ऑड नंबर है आपका। ओके, क्योंकि टू का तो पेयर बन गया, वन अकेला रह गया है ना। ओके, टू वर्ड्स यहाँ पे है, पिजन है बेटा ये। अब ये देखिए टू आपका इवन है या ऑड है? इवन। वेरी नाइस, वेरी नाइस,
नेक्स्ट कितना प्यारा वर्ड है ये बताओ, इवन है या ऑड है? Odd. क्या बताएंगे? ऑड। ऑड क्यों है? बिकॉज ही ओनली वन वर्ड है। yes. और वन का कोई पेयर नहीं बन सकता। यस वेरी नाइस। नेक्स्ट हियर आर गिवन इज टू वर्ड, क्या ये इवन है या ऑड है ये बताओ? इवन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है ना। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम में देखिए, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है, 56, 44, 67, 87, 54 एंड 33। सो यू सेलेक्ट ऑफ दिस इवन नंबर एंड ऑड नंबर, दोज नंबर हैव इवन सो राइट दिस इन वन बॉक्स एंड अदर नंबर दोज हैव अ ऑड नंबर सो राइट दिस अदर बॉक्स। ओके देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट करके आपका इवन नंबर को एक साइड किया है, ऑड नंबर को एक साइड किया है, आप लोग भी इसको अपनी कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, 56, 44, 54 इज अ इवन नंबर, 67, 87, 33 इज अ ऑड नंबर। इज इट क्लियर? नाउ ऑड एंड इवन नंबर बेटा, मैंने यहाँ देखिए पिक्चर एक दिखाई आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट नंबर पिक्चर है वह क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल की पिक्चर है। हाउ मेनी क्रोकोडाइल इन दिस पिक्चर? 1, 2, 3 कितने हैं? बोलोगे 1, हमको भी तो 1 ही दिख रहा है, 1 है ना। इट इज इवन और ऑड नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑड नंबर। यस वेरी गुड, आंसर में भी ऑड नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट फिश, हाउ मेनी फिश इन दिस बॉक्स? 2। वेरी नाइस, तो 2 इज इवन और ऑड? इवन। वेरी नाइस, वेरी गुड। चिकन, काउंट ऑफ दिस चिकन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Seven is even or odd? Odd. Yes, very good. And ice cream? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many ice cream in this picture? 6. Very nice. So 6 is even or odd? Even. Very nice. Next, pencil. Hai na? Pencil hai na? Yes, pencil. How many pencil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is even or odd? Odd. Yes, very good. बिल्कुल सही, एकदम अच्छे से बारह है आप लोग। काइट, 1, 2, 3. How many kite in this picture? 3. Yes, very nice. 3. 3 is even or odd? Odd. Odd number, very nice. And last is a bucket. कितने bucket आप लोग देख रहे हो इस picture में? 4. Yes. तो 4 इज इवन और ऑड? इवन। इवन, वेरी नाइस। बेटा आप लोग पिक्चर को अपनी कॉपी में ड्रॉ मत करना, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम होगा। तो आप सिर्फ उसके नेम्स लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर में दिया, एक मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हियर यू सी ऑन द स्क्रीन, बहुत ध्यान से आप लोग देखिए स्क्रीन पे बेटा। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है विच नंबर इज इवन विच नंबर इज ऑड। 71 इज इवन और ऑड, 42 इवन और ऑड, 53 इवन और ऑड, 34 इवन और ऑड एंड 89 इज इवन और ऑड। कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है आपका, इसको अपनी नोटबुक में आपको करना है। कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम टाइम आ रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो, हमको पता है। थैंक यू बेटा, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थिंक हैप्पी, स्टे हैप्पी। ओके बाय।